अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे लगातार चर्चा में छाई हुई हैं, जहां एक तरफ सुशांत के देहांत से उनके परिवार और फैंस को गहरा सदमा पहुंचा है, वहीं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी काफी गमजदा हैं। पिछले दिनों सभी ने देखा कैसे सुशांत के निधन की खबर ने अंकिता को तोड़कर रख दिया था। भले ही सुशांत से अंकिता की राहें 4 साल पहले ही जुदा हो गई थी, लेकिन अंकिता अपने दिल की डोर सुशांत से कभी तोड़ नहीं पाई थी। सुशांत के निधन के बाद अंकिता खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं और सुशांत की आत्मा की शांति के लिए दुआ करती रहती हैं। अंकिता ने सुशांत की याद में एक बार फिर दिया जलाया है और दुआ मांगी है कि मुस्कुराते रहो जहां भी तुम हो। 22 जुलाई की शाम अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनके घर के मंदिर में एक दिया जलता दिख रहा है। इस तस्वीर को शेयर करने के साथ ही अंकिता ने लिखा है, आशा, प्रार्थना और ताकत, मुस्कुराते रहो जहां भी तुम हो। अंकिता के इस पोस्ट पर सुशांत के फैंस भी कमेंट कर रहे हैं और सभी सुशांत की आत्मा की शांति की दुआ कर रहे हैं। इसके साथ ही फैंस अंकिता को भी हमेशा खुश रहने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले सुशांत के निधन को एक महीना गुजर जाने के बाद 14 जुलाई को भी अंकिता ने ऐसा ही एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सुशांत की याद में दिया जलाया था। साथ ही उन्होंने पोस्ट में लिखा था, भगवान का बच्चा। आपको बता दें कि अंकिता और सुशांत ने लगभग 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। दोनों का रिश्ता बेहद मजबूत था। अंकिता के लिए सुशांत बेहद खास थे। जब तक सुशांत और अंकिता का रिश्ता रहा, अंकिता ने उनके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। दोनों ने साथ मिलकर मुंबई के मलाड इलाके में अपने लिए 2 करोड़ की कीमत का एक फ्लैट भी खरीदा था। लगभग 4 साल तक सुशांत और अंकिता उसी फ्लैट में रहे। अंकिता ने उस घर को बेहद प्यार से सजाया था। सुशांत के साथ घर बसाने के कई सपने उन्होंने इसी घर में बुने थे। आज तक अंकिता ने अपने घर से सुशांत के नाम की वो नेम प्लेट नहीं हटाई है। तो सुशांत की जिंदगी में भी अंकिता बेहद अलग मुकाम रखती थी। भले ही सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वो कभी अंकिता को भुला नहीं पाए थे। सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर भी पुलिस में ये बयान दे चुके हैं कि सुशांत अंकिता को नहीं भूले थे। उन्हें दुख था कि जिस तरह से अंकिता ने उन्हें प्यार किया, वैसा प्यार उन्हें किसी और रिश्ते में नहीं मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।